गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर सुरक्षित होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का, वो है यूज ऑफ टू बी। बी का मतलब होता है होना। तो वर्ब जो टू बी, इसके अंदर कौन कौन सी वर्ब आती हैं? एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी, इनको हम टू बी वर्ब कहते हैं। और टू बी का अर्थ क्या होता है? होना, यानी के बिकम। तो इज, एम, आर, जो इनका प्रयोग होता है वो वर्तमान काल यानी के प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो वर्ब हमारी वाज और वर है, इनका प्रयोग हम भूतकाल यानी के पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो शैल बी या विल बी, इसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस यानी के भविष्य टेंस के अंदर करते हैं। और इनसे व्यक्ति या वस्तु यानी पर्सन और थिंग, उनकी स्टेट यानी के स्थिति का पता चलता है। जब इनमें से कोई किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस के अंदर अकेला यानी के सिंगल प्रयोग होता है तो मुख्य वर्ब का काम करते हैं ये, नहीं तो सहायक क्रिया यानी के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इनको हम करेंगे। तो करते हैं शुरू। यूज ऑफ पहले इज, एम और आर, पहले हम इनका प्रयोग करते हैं और बाकी धीरे धीरे हम इनका सभी का आपको प्रयोग करना बताएंगे कि इनका प्रयोग कहां पर होता है। तो सबसे पहले है जैसे हमारा इज। इज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी सिंगल चीज है, एक वचन कोई भी चीज है, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उनके साथ सहायक क्रिया के रूप में या मेन जो मुख्य वर्ब के रूप में हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एम। एम का मतलब होता है हूं। क्या होता है? हूं। और आर का मतलब होता है हैं, यानी कि बहुवचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, हैं या हो। और अगर हम बात करें यानी कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में हूं, हो, है, होता हूँ, होते हैं, होते हो, रहता हूँ, रहते हैं, इस प्रकार के जब हिंदी के वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं तो हम इनको इंग्लिश बनाने के लिए हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतना? आगे शुरू करें जी। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें पर्सन ये पढ़ना होता है कि पर्सन होते क्या है। इनके बिना अगर जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो वाक्य हमारे अधूरे रहेंगे अगर इनके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इनको पहले एक बार समझ लें होते क्या है। फर्स्ट पर्सन यानी के आई, माय, मी, वी, आवर, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। और फर्स्ट पर्सन में भी एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में हम जैसे आई का शब्द, आई जो पर्सन है उसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, ये सिंगुलर में आता है। और वी, वी मतलब हम, इसके साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे वी आर इंडियंस, ठीक है, हम भारतीय हैं, तो इस प्रकार हम वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब यू और यू। अब यू और यू, अगर मैंने सिंगुलर में यू लिखा है और प्लूरल में यू लिखा है, इसका मतलब क्या है? दोनों शब्द सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसका मतलब अलग अलग है। यू का मतलब होता है हम एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं कि आप या तुम। जैसे यू आर बॉय, आप लड़के हो। अगर हम ज्यादा के लिए के आप सभी लड़के हैं या आप लोग लड़के हैं तो यू आर बॉय की जगह हम क्या बोलेंगे? बॉयज, यू आर बॉयज। क्लियर इतना? ओके। आगे जो है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में अगर देखें हम ही, सी, इट, किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल में अगर देखें हम they, them, their, these, those, इनका प्रयोग हम प्लूरल के अंदर करते हैं
और प्लूरल के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग यहाँ पर थर्ड पर्सन में करते हैं। तो इतना क्लियर है, तो आइए हम इनको डिटेल के अंदर करते हैं। आइए हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जिनको साधारण वाक्य हम कहते हैं। तो पहला वाक्य है, मैं व्यस्त हूं। अब हमने देखा अंत में क्या है, हूं का मतलब मैंने क्या बताया था, एम, ठीक है, और एम हमेशा किसके साथ लगता है, पहले बताया था मैंने आई के साथ, यहां वही बनेगा, मैं मतलब आई एम, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा एम का, एम सिर्फ आई के साथ ही लगेगा पर ना किसी के साथ नहीं लगता इसका प्रयोग। आई एम और व्यस्त को हम क्या बोलेंगे, बिजी, आई एम बिजी, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाए, आई एम नॉट बिजी, क्या मैं बिजी हूं, अगर हम इसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, एम आई बिजी, अगर मैं बोलूंगी क्या मैं बिजी नहीं हूं, एम आई नॉट बिजी, तो हम इसके चार वाक्य बना सकते हैं। लेकिन हम पहले सिंपल सेंटेंस कर लेते हैं अफर्मेटिव, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उसके बाद है, हम अच्छे हैं, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन है वी, और बहुवचन के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं, वी आर, और अच्छे मतलब फाइन, वी आर फाइन, क्लियर है, वी आर फाइन, हम अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तुम आलसी हो, तुम मतलब यू के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं, आर का मतलब होता है या हो, यू आर लेजी, तुम आलसी हो, वह नेक है, ही इज जेंटल। अब यहां पे ये वाक्य दो प्रकार से बन सकता है, वो कैसे, वह नेक है, अब जो वह शब्द आया है, क्या वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, फीमेल के लिए या मेल के लिए, ये सब दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। कैसे, हम इस वाक्य का ये भी बना सकते हैं, सी इज जेंटल, तो भी वाक्य सही ना, वह नेक है, ठीक है, यह आकर्षक है, यह मतलब इट, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, इट इज, इट के साथ हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है, इट इज अट्रैक्टिव, आकर्षण का मतलब होता है, आकर्षक का मतलब अट्रैक्टिव। वे बच्चे हैं, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम दे, और दे बहुवचन है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम आर का, दे आर, और बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बच्चा यदि है तो उसको बोलते हैं हम चाइल्ड, अगर ज्यादा है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या बन जाता है, चिल्ड्रन, दे आर चिल्ड्रन, ठीक है, दे आर चिल्ड्रन। लड़के उपस्थित हैं, लड़के बहुवचन है तो क्या आएगा, द बॉयज, बहुवचन है तो बहुवचन का हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का, द बॉयज आर, और उपस्थित को मतलब बोलेंगे प्रेजेंट, वेरी गुड, They are present, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। बच्चा भूखा है, बच्चा ये सिंगल है तो हम क्या बोलेंगे इसको, द बॉय या द बेबी इज हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, वो क्या करना पड़ेगा,
जो हमने हमारी वर्ब ली है इज एम आर, हम इनके बाद क्या लगा देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। तो आप सब ने इन वाक्यों के नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाने हैं, वो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। कैसे, मैं व्यस्त हूं, आपने बनाया मैं व्यस्त नहीं हूं, तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट बिजी। तो इस प्रकार और अंत में फुल स्टॉप, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप ये पॉइंट को हम बोलते हैं, बिंदी को इसको कहते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट बिजी, तो आप इनके वाक्य बनाए, और वीडियो के देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा अपने ग्रुप में बना के इसको भेजना है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ जाता है शुरू में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।